तो हम अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ओके। अब इसके मीनिंग में ही सब कुछ है। क्या सजेस्ट करता है ये? सो इट सजेस्ट दैट कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बकेट से नहीं होते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन होती है। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री अगर आपको पता होगी तो ये चीज आपको पता होगी कि सो ईच मॉलिक्यूल हैज टेंडेंसी टू गिव अप एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो उस टेंडेंसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका मेन पर्पज क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का? सो द मेन पर्पज इज जनरेशन ऑफ एनर्जी और एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने के बाद, सो ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, हमें पता है ये, सो इट विल जनरेट NADH, ओके। मतलब रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस, NADH मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। इसको तोड़फोड़ करके ग्लूकोज को NADH मिलता है, प्लस ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू 6CO2, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो NADH बनते हैं, या फिर बाकी के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं, फैटी एसिड हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है NADH के पास, इसका एक्सट्रैक्शन करके हमें क्या करना है, सो वी नीड टू जनरेट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझनी है तो इसको कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड करना पड़ेगा। सो मेनली इट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट में कहाँ पे होगी? सो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, वहां पे प्रेजेंट होगी। सो स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्या होगा, सो इट द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो जो सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कोएंजाइम्स होते हैं, वेरियस मेटल्स होते हैं, बाद में प्रोटीन्स होते हैं, सो ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो द कंपोनेंट की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मेनली इट हैज फोर कॉम्प्लेक्सेस, ओके। फोर कॉम्प्लेक्सेस जो क्या करेंगे, सो दे विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स वन। सो कॉम्प्लेक्स वन, सो इट हैज FMN as a prosthetic group, as well as it will also has iron sulfur. So it will accept electrons from NADH. ठीक है, ये दो electrons क्या करेगा, यहां से लेगा FMN या FES जो होंगे, उनसे complex में है, complex one में, okay. So इस complex को हम NADH dehydrogenase भी बोल सकते हैं, so no problem. So now, जो FES होता है, सो इट विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू कोएंजाइम क्यू, ठीक है। कोएंजाइम क्यू को ट्रांसफर करेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू QH2। सो QH2 विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स थ्री, ओके। सो कॉम्प्लेक्स थ्री में ट्रांसफर करेगा, so इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थ्री, नॉट कॉम्प्लेक्स टू, ओके। तो ये क्लियर कर लीजिए, सो कॉम्प्लेक्स थ्री के पास ये ट्रांसफर करेगा। सो नाउ कॉम्प्लेक्स थ्री में कौन से कंपोनेंट है, सो इट हैज, ओके, तो इसमें साइटोक्रोम्स होते हैं, सो इट हैज साइटोक्रोम बी, उसके बाद FES, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1। सो नाउ दिस साइटोक्रोम C1 विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये जो होता है कोएंजाइम क्यू, इट इज आल्सो अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल मतलब ये कॉम्प्लेक्स वन फिक्स है, कॉम्प्लेक्स थ्री भी फिक्स है, लेकिन ये क्या हो सकते हैं, सो दे कैन पिकअप इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर टू अनदर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो अनदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इज साइटोक्रोम सी,
मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम सी, यहाँ पे होता है साइटोक्रोम C1 इन कॉम्प्लेक्स थ्री। कॉम्प्लेक्स थ्री की अगर बात करें यहाँ पे, राइट, तो यहाँ तक स्टोरी आपको क्लियर है। सो नाउ इट ऑल्सो हैज अनदर कॉम्प्लेक्स, सो टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज कॉम्प्लेक्स टू। इट ऑल्सो हैज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप FAD एज वेल एज FES, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, सो दे विल एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सक्सिनेट एंड कन्वर्ट सक्सिनेट इनटू फ्यूमरेट। सो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इट विल ऑल्सो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू कोएंजाइम क्यू, सो विच विल बी कन्वर्टेड इन टू Q H2। नाउ इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू दिस कॉम्प्लेक्स थ्री, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थ्री को ये ट्रांसफर कर देगा। तो इसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को ही बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स टू, क्लियर, कॉम्प्लेक्स टू। सो नाउ साइटोक्रोम सी का क्या काम है यहाँ पे, नाउ साइटोक्रोम सी विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू, ये किसके पास लेके जाएगा, सो इट विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स फोर। ओके कॉम्प्लेक्स फोर, तो कॉम्प्लेक्स फोर में कौन है, एक तो इसके कॉपर मॉलिक्यूल्स सॉरी एटम्स होते हैं, उसके बाद होता है साइटोक्रोम ए, उसके बाद साइटोक्रोम A3, और इसके पास भी होता है कॉपर B, क्लियर, ये कॉपर A, शॉर्ट में लिखता हूं एकदम। ओके साइटोक्रोम मतलब साइटोक्रोम A, तो यहाँ पे साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होते हैं, सो दे विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कन्वर्शन किस में होगा, H2O में होगा, प्लस यहाँ पे और लगेंगे 2H+ आयंस। तो ये सारी खिचड़ी किस चीज के लिए हो रही है, तो अब हम समझेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं देयर इज जनरेशन ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी जनरेट होती है सो इट इज यूज फॉर पंपिंग ऑफ H+ आयंस। तो कॉम्प्लेक्स वन जो होता है इट पंप्स अराउंड 4H+ आयंस, कॉम्प्लेक्स थ्री भी क्या करता है, इट विल पंप्स अराउंड 4H+ आयंस, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स थ्री, इट विल पंप अराउंड 2H+ आयंस, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे पहले ही कंडीशन एसिडिक है, तो एसिडिक कंडीशन में भी हम प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, वही साइड से पंप कर रहे हैं, सो दैट विल क्रिएट केमी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, और प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी हम बोल सकते हैं, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ओवर हियर एज कंपेयर टू इनसाइड। इनसाइड कैसी होगी, अल्कलाइन। ओके अंदर की साइड कैसी होगी, अल्कलाइन, और बाहर की साइड होगी स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया जो हो रही है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो टू जनरेट दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट का क्या काम है, ऐसे ही तो नहीं बनाएंगे सेल, हम कोई भी काम ऐसे ही करते हैं क्या, टाइम पास के लिए, ठीक है, कुछ कुछ जन करते हैं, उनकी खासियत होती है, तो आप उतने बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना, तो आपकी खासियत नहीं है वो, तो आप क्या करेंगे, सो व्हाट इज योर रोल, तो यहाँ पे आप यू विल यूज दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के एक अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है, और दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ATP सिंथेज। ओके ATP सिंथेज, ये क्या करता है, इट विल सिंथेसाइज ATP, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ H+ आयन ग्रेडियंट, ठीक है, ATP सिंथेसाइज करता है फ्रॉम ADP+ PI से, सो नाउ यू हैव ATP, ये आपका मेन पर्पस है, दैट इज जनरेशन ऑफ एनर्जी,
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इट इज एक्ट एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, सेल के अंदर ये करेंसी का काम करता है, ठीक है। तो एटीपी सिंथेज जो होता है, एटीपी सिंथेज इट हैज टू कंपोनेंट्स, एक मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एफ जीरो, और एक बाहर होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज कॉल्ड एज एफ। सो इसको हम इसलिए एफ जीरो एफ वन एटीपी सिंथेज भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जब प्रोटॉन डाउनवर्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे, डाउनवर्ड मतलब जब नीचे की तरफ जाएंगे, उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कैसा है, ज्यादा है, यहां से ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो तब क्या होगा, एनर्जी और रिलीज होगी, क्योंकि आपको ऊपर रखा है, धकेल दिया, आप इजीली नीचे आएंगे, लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको क्या लगता है, सीढ़ियां लगती है। तो सीढ़ियां लगेंगी तो आपको एनर्जी भी लगेंगी, मतलब ऊपर स्टेप बाय स्टेप अगर जा रहे हैं आप, सो यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। लेकिन नीचे जब आते हैं तो आते आते मेरा थैला लेके आना, तो आप थैला लेके आ रहे हैं एटीपी का, ओके। सो नाउ दिस इज द मेन पर्पज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसको आपको बार बार पढ़ना है, एक एक कॉम्प्लेक्स समझो, ठीक है, एक एक कॉम्प्लेक्स समझने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझने की कोशिश करो, कैसे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। देखो एनएडीएच से लेके कॉम्प्लेक्स वन में जा रहे हैं, दैट इज हैविंग एफएमएन, उसमें ही होगा एफईएस, तो ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स वन। ये किसको ट्रांसफर करेगा, कोएंजाइम क्यू को ट्रांसफर करेगा, क्यू एच टू में इसका कन्वर्शन होगा, ठीक है, ये एच प्लस आएंगे यहाँ पे। सो इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स थ्री, कॉम्प्लेक्स थ्री में कौन है, साइटोक्रोम बी, उसके बीच में है एफ ई एस, साइटोक्रोम सी वन, तो ये कौन सा हो गया अपना कॉम्प्लेक्स, सो इट इज अवर कॉम्प्लेक्स थ्री। और कौन होगा यहाँ पे, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज भी होगा, ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज शॉर्ट में लिखता हूं, इसमें क्या होगा एफ ए डी और एफ ई एस, ये भी क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेंगे, क्यू एच टू को करेंगे, इसको ही हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टू, ये कॉम्प्लेक्स टू हो गया। अब ये किसको ट्रांसफर करेंगे, साइटोक्रोम सी को ट्रांसफर करेंगे, साइटोक्रोम सी किसको करेंगे, कॉम्प्लेक्स फोर को करेंगे, कॉम्प्लेक्स फोर में क्या है, कॉपर ए है, साइटोक्रोम ए, उसके बाद साइटोक्रोम ए थ्री, और उसके बाद कॉपर बी है, कॉपर बी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अवर कॉम्प्लेक्स फोर। और ये अल्टीमेटली किसको डोनेट करेगा, ओ टू को डोनेट करेगा, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो ऑक्सीजन का काम क्या है यहाँ पे, इट इज एक्टिंग एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल मतलब आखिरी में जो बंदा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। इस फ्लो को आप समझ लो, बार बार लिख के देखो इसको, जब लिखोगे आप तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर एक बार नहीं समझता है तो दो चार बार लिख के देखना है।